तो चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी छोड़कर इनेलो में शामिल हुए आदित्य चौटाला। देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, डबवाली से चुनाव लड़ सकते हैं आदित्य चौटाला। इस वक्त की बड़ी जानकारी, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी छोड़कर इनेलो में शामिल हुए आदित्य चौटाला। डबवाली से चुनाव लड़ सकते हैं आदित्य चौटाला, इस वक्त की बड़ी जानकारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी छोड़कर इनेलो में शामिल हुए आदित्य चौटाला। इस वक्त की बड़ी जानकारी, डबवाली से चुनाव लड़ सकते हैं आदित्य चौटाला, इनेलो में शामिल हो गए हैं। पहले बीजेपी में थे, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रही है। देखिए विधानसभा चुनाव से पहले लगातार पार्टी में दल बदल देखा जा रहा है और डबवाली से चुनाव लड़ सकते हैं आदित्य चौटाला, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी छोड़कर इनेलो में शामिल हुए आदित्य चौटाला, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी छोड़कर इनेलो में शामिल हुए हैं, डबवाली से चुनाव लड़ सकते हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित तिवाड़ी वरिष्ठ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अमित, देखिए आदित्य चौटाला जो है बीजेपी छोड़कर वो इनेलो में शामिल हुए हैं और कहीं ना कहीं डबवाली से चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, ज्यादा जानकारी चाहूंगी। जी बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक बड़ा झटका कहा जाएगा, क्योंकि आदित्य चौटाला जिला अध्यक्ष भी रहे, उसके बाद उन्हें मार्केटिंग बोर्ड हरियाणा का चेयरमैन भी बनाया गया, एक बार उन्हें हटा दिया गया था, फिर दोबारा से उनकी अभी ज्वाइनिंग करवाई गई थी हरियाणा जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है उसके चेयरमैन पद पर, और उन्होंने पिछले दिनों इस पद से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल जो पहली लिस्ट आई उसमें डबवाली का जो नाम नहीं था भारतीय जनता पार्टी की, और इसी से ही आदित्य चौटाला नाराज चल रहे थे। संभवतः ऐसा लग रहा था कि उनकी इस बार टिकट के लिए इनकार हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में, और ऐसे में अब उन्होंने भाजपा से भी इस्तीफा दे दिया और इनेलो को ज्वाइन किया है। इनेलो में वे शामिल हो गए हैं और शीघ्र ही वे अब अपनी नई पारी जो राजनीतिक पारी है वे इनेलो के साथ शुरू करने जा रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, हमें जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है, कहने देखिए देखिए पहली लिस्ट जब जारी हुई उसके बाद से कई ऐसे पूर्व बीजेपी के नेता रहे हैं, वर्तमान नेता रहे हैं, जिन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया, बगावत उनकी तरफ से लगातार देखी जा रही है। वैसे में एक और झटका जिस तरीके से आपने जिक्र किया है, तो कहीं ना कहीं देखिए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए अब जो लिस्ट आई है और उसमें काफी लोग बगावत करके बीजेपी को छोड़कर जा रहे हैं, तो ऐसे में एक निश्चित रूप से किसी भी पार्टी का जब इस प्रकार से लोग छोड़ के जाते हैं तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन देखने वाली बात है कि अभी कांग्रेस की भी देखिए 32 सदस्य जो उन्होंने अपने उम्मीदवार जो है 32 अभी ऐलान किया है, लेकिन बाकी उम्मीदवार उनकी भी लिस्ट आनी है, तो ऐसे में देखने वाली बात है कि कितना नुकसान। लेकिन कोई भी जब व्यक्ति पार्टी को छोड़कर जाता है तो निश्चित रूप से उस पार्टी को आघात तो लगता ही है। जी चलिए, हमें देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरीके से अभी आदित्य चौटाला ने भी एक बड़ा फैसला किया है कि वो अब बीजेपी से इनेलो में शामिल हुए हैं, अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ रहेगा। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का तमाम जानकारी देने के लिए।